हाय, मैं हूँ रूही चतुर्वेदी एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन ई टाइम्स टीवी. थैंक यू. ओ माई हस्बैंड, वो तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है. वो जब मैं कभी कभी वर्कआउट में चीटिंग कर जाती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, यू नो, बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं काफ़ी सालों से, जब मैं एक्टर नहीं थी, मैं तब से चाहती थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँ. और जहाँ तक कि हम सब अंजुम को जानते हैं, वो एक एटम बॉम्ब है. वो जहाँ जाती है वहाँ पर एकदम फट जाती है. कीड़े मकोड़े में कोई इन्जॉय नहीं कर सकता, कोई करेगा तो झूठ बोल रहा है. वो अदा खान से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो वो एक बार भी कोई भी क्रीपी और क्रॉली, चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे स्नेक हो, वो बिल्कुल नहीं डरे. इतनी देर क्यों लगाती हूँ, तो कब से इंतज़ार करी थी तुम्हारा. नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं काफ़ी सालों से, जब मैं एक्टर नहीं थी, मैं तब से चाहती थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँ. तो मैं सीक्रेटली ऐसे प्रे करती जा रही थी, और मुझे जब ऑफ़र हुआ और जब मैंने साइन कर लिया, तो मुझे समझ में आया कि सपने देखो और अगर दिल से देखो तो ज़रूर पूरे होते हैं. कि मैं सर को कितनी भी बटरिंग कर लूँ, लेकिन वो मुझे वो सांप और छिपकलियों के बीच में तो लिटाएंगे ही लिटाएंगे. और यू नो, वो ही सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ है मेरे लिए. बाकी सब आप सर मुझसे कुछ भी डबल करवा लो, सिर्फ सांप छिपकली की स्टंट्स ना कराओ. जैसे ही वैसे होगा तो राम 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 लेके चीज़ें कर लूँगी, बिकॉज करना तो पड़ेगा. डर के आगे जीत है, सो वी हैव टू डू इट. खुद से नहीं, बट सारे लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं. और मैं अभी फ़िलहाल सिवाय अंजुम फाकी की और किसी को इतनी अच्छी तरीके से जानती नहीं. तो यू नो, जब हम वहाँ जाएंगे, एक आध हफ्ता निकल जाएगा, तब पता चलेगा कि किस में कितनी ताकत है. अभी तो सारे के सारे स्ट्रांग लग रहे हैं. डिस्कस कुछ नहीं हुआ है, कि सिर्फ ये बात तो हमें ज़रूर पता है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट बन के रहेंगे. और जहाँ तक कि हम सब अंजुम को जानते हैं, वो एक एटम बॉम्ब है. वो जहाँ जाती है वहाँ पे एकदम फट जाती है. मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, यू नो, लोगों से दोस्ती करने में. और जब अंजुम रहेगी तो मुझे पता है मेरे पास एक इमोशनल सपोर्ट रहेगा. सो आई एम थैंकिंग माई स्टार कि अंजुम है. सुनो, उनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है. तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी स्टंट अबॉर्ट ना करूँ, टाइमली कर लूँ, तो शायद खुश हो जाएं. कीड़े मकोड़े में कोई इंजॉय नहीं कर सकता, कोई करेगा तो झूठ बोल रहा है. वो मतलब माता रानी उसे पाप देगी ऐसे कोई झूठा सी चीज़ें बोलेगा तो. बट हाँ, अगर गाड़ी उड़ानी है या ऊपर से जंप करना है या पानी में वाइट शार्क के साथ केज में जाना है, वो सारी चीज़ें कर लूँगी. बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी वो सब चीज़ों में, सिर्फ कीड़े मकोड़ों को छोड़ के. ओ माई हस्बैंड, वो तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है. वो जब मैं कभी कभी वर्कआउट में चीटिंग कर जाती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, यू नो, बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं टू कीप मी फिट फिजिकली मेंटली. हाँ, मेरे डैड, क्योंकि मेरे डैड बहुत पजेसिव हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव डैड हैं, तो मैंने उनको जब साइन किया था एक महीने तक नहीं बताया. लेकिन जब न्यूज़ आउट हो गई तो मुझे उनको बताना पड़ा. एंड ही गॉट, वैसे वो तीन चार प्यार के शब्द उन्होंने मुझे कहे, बट नाउ ही इज़ वेरी प्राउड एंड ही इज़ सेइंग कि यू नो, जाओ जीत कर आओ और एक बेहतर इंसान बनकर आओ. सब कुछ करने का सोचे, मतलब मुझे सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आएगी, बिकॉज मैं 5.5 साल तक कुंडली की, तो यू नो, अब मैं चाहती हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करूँ और लोगों को मेरा एक अलग साइड देखने को मिलेगा. आज तक आप मुझे सिर्फ शर्लिन में देखते थे, और जो गुस्से में रहती थी, आई एम अ वेरी फन पर्सन. मैं मुझे मस्ती करना पसंद है, मैं खुद का, लोगों का, सबका मजाक भी उड़ाती हूँ. तो वो साइड लोगों को देखने मिलेगा. एंड आई होप जितना मुझे मज़ा आता है जोक करके, लोगों को भी उतना ही देख के मज़ा आए. वो नहीं देखेंगे वो, बिकॉज ये दैट इज़ लाइक, वो एक टिपिकल लुक था जो टीवी में काम करता है, मतलब उस पर्टिकुलर सीरियल में, पर्टिकुलर जॉनर में. बट आप अब जो मुझे लुक में देखोगे, वो रूही है, रूही चतुर्वेदी वैसी ही है, स्पोर्टी है और कंफर्टेबल है, मजाकिया है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाती है, कभी कभी लोगों का कुछ ज़्यादा मजाक उड़ा देती है. सो वो सारी चीज़ें देखोगे.
उनका तो नहीं पता वो तो कैसे मैनेज करूँगी, बट मैं बहुत डिफिकल्टी से मैनेज करूँगी बिकॉज मेरे मॉम डैड मेरे भाई एंड शिव आर लाइक माई फोर पिलर्स. मेरा दिन शुरू होता है उनके साथ, ख़त्म उनके साथ होता है. इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट क्योंकि उनकी इच्छा है कि मैं जहाँ जा रही हूँ उसमें सक्सीड होके आऊँ, तो आई विल नॉट लेट माई इमोशंस कम ओवर माई वर्क. और मैं अच्छा क्या बोलते हैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँगी और उनके लिए जीत के आऊँगी. सारी सीजन देखे, जब पहला सीजन आया था और उसमें नेत्रा जी ने जो सुपर मॉडल रह चुके हैं वो जीते थे, तब से लेके अब तक तुषार ने जो जीता है सारे एपिसोड देखे. और अदा खान से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि अगर आपने देखा हो तो वो एक बार भी कोई भी क्रीपी और क्रॉली, चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे स्नेक हो, वो बिल्कुल नहीं डरे. अगर उनका 10% भी मुझ में आ जाए ना तो आई थिंक मैं जीत जाऊँगी. कि आपने जितना शर्लिन से प्यार किया उससे नफरत की है, उससे कई ज़्यादा प्यार रूही चतुर्वेदी से कीजिए. और इस बार का सीज़न ऑफ खतरों के खिलाड़ी मिस मत कीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मोर फन, मोर एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा डर के साथ. द डर इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल.